हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जिसके अंदर हम लोग कवर करते हैं इंडिया के लीडिंग करंट अफेयर। सुबह 5 बजे दोस्तों बहुत सारे ई न्यूज़पेपर आते हैं और उन्हीं ई न्यूज़पेपर को 3 घंटे पढ़ने के बाद आपके लिए कॉन्टेंट है जो कि बनाया जाता है, चाहे फिर आपका द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, जनसत्ता, PIB, PRSE, सारे दोस्तों सोर्सेस के साथ में आपके लिए 8 बजे वाला करंट अफेयर है जो कि बनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसे रेगुलर देखेंगे, रेगुलर शेयर करेंगे ताकि आपको आने वाले एग्जाम के अंदर किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना आए और आप अपना बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है जो कि दे सके। ओके, आप चाहे कोई भी एग्जाम दोगे तो आपको मेजरली 80-90% क्वेश्चन जो है आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है गाइस, आज बात करें तो आज 8th of October है, जैसा कि आप सभी को मालूम है। तो 8th of October के दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे एग्जाम, अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है जो कि नहीं आएगी। सबसे पहले सारे के सारे न्यूज़पेपर कवर करेंगे, आज के दिन इतिहास में क्या हुआ फन फैक्ट भी देखेंगे और कुछ सवाल है जो कि हम लोग हमेशा की तरह कवर करते चलेंगे। सबसे पहले गाइज, अगर आपको इंडिया में किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप अनअकैडमी के ऊपर रेफरल कोड लगा सकते हैं BHU10 या फिर BHU10, जिससे आपको 10% ऑफ है जो कि मिल जाएगा सभी एग्जाम के अंदर, चाहे आपका UPSC हो, PCS हो, डिफेंस हो, बैंकिंग हो, SSC हो। ओके, और साथ में अभी दोस्तों बात करें तो UPSC के लिए नए कोर्सेज है जो कि अभी रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं, सारे के सारे टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को पढ़ा रहे हैं और ये टॉप 10 के अंदर रैंकिंग है जो कि 6-7 लोगों की इस बार रैंकिंग देखने को मिली है। ओके, और टॉप 50 के अंदर भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अनअकैडमी से ही जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन है जो कि करी है। तो आप अनअकैडमी प्लस ले सकते हैं जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज, टेस्ट एनालिसिस, पर्सनल गाइडेंस, ये सब है जो कि आपको अवेलेबल होती है। तो आप इस तरीके से आइकॉनिक कोर्स ले सकते हैं या फिर आप अपना प्लस कोर्स है जो कि ले सकते हैं। नीचे की तरफ आपको रेफरल कोड लगाना पड़ेगा किसी भी एग्जाम के लिए। ओके, और BHU10 है जो कि आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शनल के एग्जाम, अगर आप ऑप्शनल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ऑप्शनल भी आप ले सकते हैं, आप रेफरल कोड यहाँ पे नीचे की तरफ आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये ऑप्शनल के लिए बहुत सारे के जितने भी आप ऑप्शनल के सब्जेक्ट हैं उन सभी के एजुकेटर्स आपको मेजरली देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अभी 18 अक्टूबर से जो है वो कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो अभी ज्वाइन कर लेना, 2-4 दिन प्रीलिम्स के लिए पढ़ लो, उसके बाद में जो है आपके आंसर राइटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। आपको ऐप डाउनलोड करना है, मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे अपना गोल सेलेक्ट करना है, आपका गोल SSC है, UPSC है, ओके, IIT है, CDS है, जो भी आपका गोल है सेलेक्ट करिए, प्लस में जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन में जाइए, 12 या 24 महीने पे जाइए और BHU10 है जो कि आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, और SSC के अंदर गाइज इंडियन ज्योग्राफी है जो कि मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, कोर्स मैंने आज बना दिया है, एक जो मंडे को मेरे ख्याल से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट है जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको NCERT UPSC में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद में। और अगर आप कोई जॉब करते हैं, अगर आपको कोई फ्रेंड जॉब करता है तो स्माइल फॉर ऑल सोसाइटी के वेबसाइट पे जाके एक हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन लेकर एक बच्चे के एजुकेशन भी स्पॉन्सर कर सकते हैं आप 500 रुपये पर मंथ में, उसकी कंप्लीट डिटेल रिपोर्ट कार्ड आपको हर मंथ मिलती रहेगी। ओके, आज का कोट ऑफ द डे की बात करें तो दोस्तों एक बहुत अच्छी बात है जो कि बोली गई है, लाइफ इज लाइक राइडिंग इस बाइसाइकिल, टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग। तो बिल्कुल सही बोला है दोस्तों, जैसे कि साइकिल हम लोग बचपन में चलाना सीखते हैं ना, हमें दोनों पेडल को जो है साथ में चलाना पड़ता है ना, दोनों टायर को जो है वो साथ में चलते हैं तभी चल पाते हैं। बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है लेफ्ट और राइट के अंदर, दोनों साइड के ऊपर। तो गाइस देखो, लाइफ के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बहुत बार ऐसा होता है कि यार फेल होते ही जा रहे हैं, पता नहीं कब जाके जो है वो पास होंगे, कब जाके सक्सेस मिलेगी, कब जाके हम भी एक स्टेबल जो है जॉब कर पाएंगे। लेकिन देखिए गाइस, मुझे मालूम है ऐसी बहुत सारी फीलिंग आपको आती रहती होगी, लेकिन लाइफ का नाम है मूव ऑन करने का। तो कभी भी रुकिए मत, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, जो आप करना चाहते हैं वो करिए। ओके, और आज नहीं तो कल चीज़ें इंप्रूव जरूर होगी, सबका वक्त आता है, यकीन मानिए, मेहनत करने वाला ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसका वक्त नहीं आए, किसी का जल्दी किसी का लेट आता है, लेकिन आपको मूव करते रहना बहुत जरूरी है, समझ गए, रुकना नहीं है कुछ भी हो जाए। ठीक है गाइस, चलिए आगे बात करते हैं, आज के देंदू की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि स्वयंमोटो कॉग्निशंस लेते हुए जो है स्टार्ट करें, तो मैंने कुछ ज्यादा बताया नहीं था, मैं फ्रंट पेज के ऊपर ही था, है ना, तो वापस से स्टार्ट करते हैं, फ्रंट पेज से ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वापस से। सबसे पहले हमने लखीमपुर के बारे में बात किया, मैंने आपके लिए स्टाफ मार्क कर रखे, अच्छी बात यह थी कि कुछ किया नहीं हमने, अदरवाइज दिक्कत होती। तो ये वाली न्यूज इंपॉर्टेंट थी जो कि हमारे नोबेल की थी, और साथ में EWS कोटे के बारे में बता रखा था। यहाँ पे तो ब्यूटीफुल जो फोटो आपको नजर आ रही है, ये दशहरा फेस्टिवल की दोस्तों, मैसूरू के अंदर आपने देखा होगा अंबा विलास पैलेस है, वो उसकी फोटो है, बहुत ही ब्यूटीफुल है।
यहाँ पे दोस्तों एयरफोर्स का जो ऑफिसर था उसको पुलिस लेके जाती हुई और डीयू के एडमिशन के बारे में बात करें तो ये फ्रंट पेज है, कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। बस एक ये वाली न्यूज और एक ये वाली न्यूज, दो के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी 12 तारीख तक सारे के सारे नोबेल अवार्ड का अनाउंसमेंट हो जाएगा, तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो क्या क्या पढ़ा था आपको बता देता हूं मैं। अभी तक हमने पढ़ा दोस्तों केमिस्ट्री के नोबेल, मैंने आपको याद करवाए थे बेंजामिन, कली और डेविड, याद है आपको, ठीक है। हमने दोस्तों साथ में आपको मालूम है हैसल, पेरिसी और एक पर्सन और थे, उनका नाम क्या था, हैसल, पेरिसी और मनाबे, ठीक है गाइज, ये तीन और थे। इसके अलावा कहां गए, हाँ ठीक है गाइज, ये तो थे अपने हाँ ये हो गए अपने मेडिसिन के, जिनका नाम है डेविड और आर्डिम। डेविड और आर्डिम तो हो गए आपके मेडिसिन के, इसके अलावा हैसल, पेरिसी और मनाबे ये हो गए आपके फिजिक्स के, और साथ में केमिस्ट्री की बात करें तो बेंजामिन और डेविड। डेविड दो है दोस्तों, डेविड मैकमिलन है, आप बेंजामिन और मैकमिलन नाम से याद करो, है ना, केमिस्ट्री वाले ठीक रहेगा। अब अगर हम लोग बात करें दोस्तों हमारे लिटरेचर की, तो तंजानिया के नोवेलिस्ट है अब्दुल रजाक, ओके 72 साल के, उनको 2021 का नोबेल अवार्ड है जो कि लिटरेचर में मिला है। देखो लिटरेचर के अंदर कोई एक किताब के लिए नहीं मिलता, जैसे कि बुकर पुरस्कार होता है ना, बुकर पुरस्कार में क्या होता है कि अगर आपने एक भी बुक अच्छी लिखी तो आपको मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपका ओवरऑल वर्क है जो कि देखा जाता है, ठीक है। अब्दुल रजाक नाम के एक पाकिस्तानी ऑलराउंडर भी हुआ करते थे, बहुत ही जबरदस्त ऑलराउंडर थे, तो आप उनके नाम से भी याद कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो काफी टाइम पहले दोस्तों इन्होंने कॉलोनियलिज्म के ऊपर दोस्तों काफी कुछ लिखा है ना, आपको मालूम है ना, कई सारे देश कॉलोनी बना लेते हैं किसी कंट्री को, फिर वहां पे सारा का सारा वहां पे सामान लेके आके खुद के देश में जाते हैं, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने किया था। हम इंडिया का कभी भी ब्रिटिशर्स का डेवलप करने का उनका कभी मोटिव ही नहीं था, उनका मोटिव था इंग्लैंड को डेवलप करना, उन्होंने इंडिया को कॉलोनी बनाया था। कॉलोनी का मतलब होता है जब आप वहां से रूल करते हो और वहां से सारा इंपॉर्टेंट चीजों को निकाल के खुद के देश में डाल लेते हो, तो हम यूके ने भी इसी तरीके से किया था दुनिया के दोस्तों 100 प्लस कंट्रीज में, जिसमें 54 कंट्रीज आज कॉमनवेल्थ कंट्रीज के नाम से जानी जाती है, ठीक है गाइस। तो इसी के ऊपर दोस्तों उन्होंने लिखा है, रिफ्यूजी जो है ये खुद भी 1960 के बाद में जो है तंजानिया से जो है दूसरे देश में चले गए थे, ठीक है, बेस्ड इन ब्रिटेन, ब्रिटेन के अंदर बेस्ड है। वैसे फर्स्ट अफ्रीकन राइटर है जिन्होंने दोस्तों अवार्ड मिला, इससे पहले जिम्बाब्वे के डॉरिस करके थे जिनको 2007 के अंदर मिला था, ओके सब सहारन अफ्रीका से। उसके अलावा नाइजीरिया के एक और थे वोल करके, 1986 में उनको मिला। तो ये दो तीन नाम भी आपको लिए जरूरी है, पेपर में थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन यूपीएससी वैसे और पीसीएस के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है गाइस। चलिए, और जैसे कि कॉलोनिज्म था ईस्ट अफ्रीका के अंदर, उनके जो वहां पे लोगों की लाइफ जो खराब हुई है, माइग्रेट हुए लोग, है ना, उनके बारे में काफी कुछ है जो कि इन्होंने लिखा है। इनकी किताब थी पैराडाइज नाम से, ओके, जो कि कॉलोनियल ईस्ट अफ्रीका के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे दोस्तों लिखी गई थी, उसको जो बुकर प्राइज है उसके लिए भी शॉर्टलिस्ट जो कि किया गया था, ठीक है गाइस। बाकी सब हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं ये सब मेडिसिन और ये सब अवार्ड। हाँ, अब देखिए स्वीडिश एकेडमी जो है वो डिसाइड करती है कि किसको ये अवार्ड है जो कि देना है अक्टूबर के अंदर। आप देख सकते हैं आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन अगर कोई लिटरेचर में करता है तो मिलता है, एक किताब के लिए नहीं मिलता है। स्टॉकहोम में ये अवार्ड मिलता है स्वीडिश एकेडमी के द्वारा, वही सेम प्राइज बनी है 10 मिलियन स्वीडिश क्रॉन, और 1901 में इसकी शुरुआत करी गई। 1901 में जो पहली बार दोस्तों जो लिटरेचर का अवार्ड मिला था वो किसको, सुली प्रुडुमन को मिला था दोस्तों, ये फ्रांस के थे, ओके, और इन्होंने पोएट्री के कंपोजिशन के अंदर, है ना, आइडियलिज्म के ऊपर, इनके ऊपर काफी किताबें हैं जो कि लिखी थी, पोएट्री और ऐसे इनका जॉनर हुआ करता था। तो ये पहले पर्सन थे जिनको लिटरेचर का नोबेल अवार्ड मिला था, समझिए मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कि है सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया इनकम लिमिट को लेकर ईडब्ल्यूएस के। आप सभी को मालूम होगा, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने इनकम सर्टिफिकेट बना लिए होंगे। मेजरली देखो आप लोगों में से बहुत सारे, अगर मैं आपको एक रियलिटी बताऊं तो हमारे ये जो जनरल कैटेगरी को जो 10% रिजर्वेशन दिया गया था ना, ये जो 10% जनरल कैटेगरी को दिया गया था, ये एक तरीके से लॉलीपॉप था, क्योंकि देश के 98% से 99% जो भी फैमिलीज हैं हमारे कंट्री के, वो दोस्तों 8 लाख की जो लिमिट इसमें लिखी गई थी ना, उसके अंदर ही अंडर में आते हैं। तो यानी कि जनरल कैटेगरी में बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो कि इस कैटेगरी में नहीं आए,
मेजरली सारी सभी जनरल कैटेगरी के लोगों को इकोनॉमिकली बिहाफ के ऊपर ये रिजर्वेशन दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भैया ये 8 लाख रुपए आप किस बिहाफ पे आपने लिए हैं, 8 लाख रुपए जिसकी इनकम होती है वो कोई गरीब तो होता नहीं है, इकोनॉमिकली बेसिस के ऊपर आपने रिजर्वेशन दिया है, जिसकी 6 लाख होती है सालाना इनकम वो भी इकोनॉमिकली वीकर तो होता नहीं है। तो इस लिमिट के बारे में दोस्तों बातचीत करी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा है कि भैया हमें एक्सप्लेन करो आइए 8 लाख रुपए आपने किस बिहाफ के ऊपर रखा है, ओके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को लेकर जिससे 10% रिजर्वेशन मेडिकल के एडमिशन में ऑल इंडिया कोटा के अंदर और सभी जगह पे जो है वो दिया जा रहा है। आपको मालूम होगा 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जो कि 2019 में आया था, जहां पे 10% कोटा जो है वो दिया गया और अभी इसको चैलेंज है जो कि कर दिया गया है। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि अगर आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बनवा रखे हैं तो भैया बनवा लेना, क्योंकि कट ऑफ में फर्क नहीं बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, समझ गए मेरी बात। तो कट ऑफ में फर्क नहीं बोलते उसको, बहुत ज्यादा फर्क बोलते हैं, ठीक है, ठीक है गाइस। तो अगर क्योंकि मेजरली आप सब लोगों की भी फैमिली में अगर नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो 8 लाख रुपए से कम ही होगी। अरे यार अगर कोई यूपीएससी भी क्रैक करता है, पीसीएस भी क्रैक करता है, तो उसकी फर्स्ट मंथ जो सैलरी होती है 50-60 हज़ार रुपये होती है इनिशियल ईयर्स के अंदर। तो अगर मतलब 65,000 पर मंथ की सैलरी वाला पर्सन भी मतलब इसमें इंक्लूड हो जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात। तो नॉर्मल बात है कि इतनी ज़्यादा सैलरी जो है वो काफ़ी टाइम बाद में होती है। और आप कोई भी एग्जाम उठाओगे, बैंक का उठाओगे, एसएससी का उठाओगे या यूपीएससी का उठाओगे, सब जगह पे दोस्तों आपको कट ऑफ जो है ना ईडब्ल्यूएस की कम देखने को मिलेगी। तो बनवा लेना सर्टिफिकेट अगर आप क्राइटेरिया को पूरा करते हो, तो समझ गए मेरी बात। इस बार जैसे कि अगर मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2019 के रिजल्ट की बात करूं तो प्रीलिम्स के अंदर जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो गई थी 98 नंबर और ईडब्ल्यूएस की गई थी 90। बहुत फर्क होता है यार ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की थी 95। मतलब आप समझ सकते हो ना कि जनरल की तो है 98, ओबीसी की है 95 और ईडब्ल्यूएस की ओबीसी से भी कम है 90 कट ऑफ गई थी और एसटी एससी की जो थी वो 82 के आसपास थी एसटी की कोई, समझ रहे हो। तो बहुत फर्क पड़ रहा है, तो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि बनवा लेना, बहुत बेनिफिट मिलेगा इस चीज का आपको। चलिए ठीक है गाइस, तो ये वाली बात हो गई है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये था क्या, पेपर में सवाल बनता है 103 अमेंडमेंट एक्ट 2019 को लेकर। आर्टिकल 15 और 16 के अंदर दोस्तों इसको डाला गया था, 15 के 16वां 6th क्लॉज और 16 के 6th क्लॉज के अंदर इसको इंसर्ट है जो कि किया गया। पहले देखिए हमारे यहाँ पे जो रिजर्वेशन था ना वो सोशल बैकग्राउंड के ऊपर था, समझ गए, गरीबी अमीरी से लेना देना नहीं था, सोशल बैकग्राउंड के ऊपर था, ओके। लेकिन अभी कर्नाटका और कुछ राज्यों ने जो है वो अपील करी थी और उसके बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया, इकोनॉमिकली बैकग्राउंड को देखते हुए ये रिजर्वेशन है जो कि दिया था, क्योंकि गरीबी दोस्तों कहीं पे भी हो सकती है, ब्राह्मण का बच्चा भी गरीब हो सकता है, जैन भी गरीब हो सकता है, कोई भी गरीब हो सकता है, समझिए मेरी बात। तो उस बिहाफ के ऊपर उन्होंने दिया था जो 50% के अंदर कवर नहीं होते एसटी एससी ओबीसी के अंदर, समझ गए मेरी बात। और यहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस जो उनकी सोसाइटी को एलिजिबल है ना, प्रोवाइड रिजर्वेशन टू द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, दोनों स्टेट और सेंटर, ठीक है गाइस। और स्टेट और सेंटर में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सेंटर के सब्जेक्ट है दोस्तों आपके एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन है ना, और ये किसमें कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर है। तो भाई सेंटर ने तो बना दिया लेकिन स्टेट को भी रेक्टिफाई करना जरूरी है क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर है, ठीक है, जिसके अंदर स्टेट और सेंटर दोनों के पास में पावर होती है, ओके गाइस। तो इनको रेक्टिफाई करना जरूरी होता है सभी राज्यों को, ठीक है। चलिए आर्टिकल 46 भी दोस्तों यही बोलता है कि प्रमोट करना चाहिए हमें एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो वीकर को ऊपर लेके आना ही दोस्तों एक सरकार का काम होता है वेलफेयर का, ठीक है। तो जिनकी अब इसमें क्राइटेरिया देखिए कुछ ज्यादा ही रखे गए, मतलब इसको लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अगर इकोनॉमिकली वीकर है तो भैया थोड़ा कम रखो ताकि जो जनरल लोग है ना उनको मदद मिल सके। अगर ये क्राइटेरिया 3 लाख या 4 लाख होता तो सच में जो जनरल के जो गरीब लोग हैं उनको फायदा मिलता, 8 लाख में तो सारे के सारे आ गए, मतलब समझ गए। मेरे तो खुद के फादर की सैलरी 50,000 रुपये हुआ करती थी बीएसएनएल से रिटायर होने के टाइम पे, और जबकि वो अच्छे खासे इसके वो थे, ग्रेड पे थे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं पीपल हु हैज एन एनुअल इनकम लेस देन 8 लाख रुपीज, एक तो ये क्राइटेरिया है। इसके अलावा दोस्तों बात करें 5 एकर ऑफ फार्मलैंड, ठीक है, अगर किसी के 5 एकड़ से कम जमीन है तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा, या फिर किसी की अगर 1,000 स्क्वायर फीट टाउन में या 100 स्क्वायर यार्ड अगर किसी म्यूनिसिपल एरिया के अंदर अगर उसका कोई घर नहीं है या उससे छोटा है तो ये भी दोस्तों इंक्लूड माना जाएगा। तो ये क्राइटेरिया दोस्तों फुलफिल करना जरूरी है, उसी के बाद में आप ईडब्ल्यूएस में आ सकते हैं, देख लेना दोस्तों, ठीक है गाइस। चलिए आगे बात करते हैं, ये देख सकते हो आप इनकम जो है 8 लाख रुपए से कम, बड़े खुश है परिवार 8 लाख वाले, ठीक है। और ये प्लॉट साइज हो गया रेसिडेंशियल 100 यार्ड म्यूनिसिपैलिटी और 1,000 यार्ड हो गया आपके नॉन म्यूनिसिपैलिटी के अंदर, ठीक है गाइस।
और आपके यहाँ फार्म जमीन जो है वो 5 एकड़ से कम की हो, ठीक है। 5 एकड़ बहुत होती है, 4 एकड़ भी बहुत होती है यार, ठीक है। इंदिरा सोनी केस हुआ था 1992, जिसके अंदर दोस्तों उन्होंने 9 जज की बेंच बैठी थी और जिसमें 50% रिजर्वेशन के ऊपर लिमिट लगा दी थी। लेकिन ये दोस्तों जो रिजर्वेशन था वो सोशल ग्राउंड पे था, सरकार ने दोस्तों तरीका निकाल लिया इसको बाईपास करने का और एक इकोनॉमिकल बिहाफ के ऊपर दोस्तों 10% रिजर्वेशन है जो कि डाल दिया, ठीक है गाइस। और उस टाइम पे दोस्तों इकोनॉमी के भी आपके ऊपर जो है वो मना किया गया था, समझ गए। देखो क्या होता है कि जब इंसान की प्रवृत्ति बहुत खराब है, मतलब इंसान की सोच का, देखो क्या होता है कि जब रिलीजन की बात होती है तो वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करता है, जब किसी रिलीजन के अंदर बात होती है तो वो जाट ब्राह्मण क्षत्रिय जैन है ना अग्रवाल इनके ऊपर लड़ाई करता है, जब इकोनॉमी की बात होती है तो सिर्फ दो ही लेवल रह जाते हैं, उसके अंदर कास्ट का कोई लेना देना नहीं होता, एक गरीब और एक अमीर, उसमें दो ही रह जाते हैं, समझ गए। तो ये समस्या है, मतलब ये हमारे देश के अंदर है। बाकी बाहर की बात करें तो वहाँ पे रंग भेद की प्रॉब्लम है ना, एक काला है एक गोरा है, फिर वहाँ पे इकोनॉमी का पैसों का मैटर नहीं है, वहाँ पे फिर वाइट और ब्लैक का मैटर है, समझ गए। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या मल्टीपल लेयर्स है, प्रॉब्लम ये है, तो ये थोड़ी समस्या है। चलिए तो क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से संबंधित पहला सवाल है, इट इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक रिजर्वेशन बाय अमेंडिंग आर्टिकल 15 और 16, सही है क्या, चलो ठीक है। सेकंड है, इट इनेबल ओनली सेंटर टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू द ईडब्ल्यूएस ऑफ द सोसाइटी, ओके। ये सेंटर को, केवल केंद्र को समाज के ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाता है। तीसरा दोस्तों, 1992 के इंदिरा सोनी केस के अंदर 50% रिजर्वेशन पर लिमिट लगा दी गई। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर यहाँ पे सही है, 3 यहाँ पे 5 सेकंड है जो कि आपको मैं देने वाला हूं। ठीक है चलिए, तो आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, देखो यहां पे ये वाला भी आर्टिकल, ये वाला भी सही है। यहां पे दोस्तों सेंटर एंड स्टेट आना चाहिए, बाकी पूरा स्टेटमेंट सही है, समझ गए, क्योंकि दोनों सेंटर और स्टेट दोनों है ना कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट है आपका एजुकेशन, तो फर्स्ट और थर्ड यानी कि सी आपका सही जवाब होना चाहिए। काफी सारे बच्चों ने यहां पे जो है चाहिए, बिल्कुल सही आंसर किया है। चलिए आगे बात करते हैं, पेज नंबर 5 दोस्तों, यहां पे जो बात करेंगे हम लोग बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से संबंधित, ठीक है। चलिए तो यहां पे आप देख सकते हैं हैवीएस्ट सेमी क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक जिसका नाम है CS-122LOX, ये नाम ध्यान रखिएगा पेपर में पूछेंगे, ठीक है गाइस। ये फैब्रिकेटेड किया गया है HAL के द्वारा, आपको मालूम है ना कि हमारे जब हम लोग सैटेलाइट जब हमारी जाती है स्पेसक्राफ्ट से तो हमें एक हमें फ्यूल यूज करना होता है, एक टैंक भी यूज करना होता है ना, जो कि क्रायोजेनिक है। तो यहाँ पे जो हमने बनाया है ना वो सेमी क्रायो लिक्विड ऑक्सीजन टैंक है जो कि बनाया, लिक्विड LOX का मतलब यही है, लिक्विड ऑक्सीजन टैंक एक्चुअली के अंदर हम इसको यूज करेंगे MK3 के अंदर, MK3 जो लॉन्च है ना, लॉन्च व्हीकल है जो हमारा, तो इसके अंदर जो इसकी कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए, ताकि ज्यादा पेलोड है जो कि ये लेके जा सके। अभी हमारा दोस्तों MK3 भी जो है वो इतना ज्यादा लॉन्च व्हीकल इतना ज्यादा बहुत ज्यादा पेलोड को जो है वो सपोर्ट नहीं कर पाता, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हमने इसको बनाया है। HAL ने इसको फैब्रिकेट किया और ISRO को दोस्तों ये डेवलप देने वाले हैं, फर्स्ट डेवलप्ड वेल्डेड हार्डवेयर है जो कि इस स्टेज का जो है वो बनाया गया है दोस्तों, और बिगेस्ट एवर क्रायोजेनिक लिक्विड हाइड्रोजन टैंक है ना, इससे पहले जो था वो 3C2LH2, ये लास्ट ईयर है जो कि HAL ने ISRO के लिए बनाया था, C32HL2LH2, तो ये लास्ट ईयर 4 मीटर का डायमीटर का था, 8 मीटर दोस्तों लंबा था है ना, जो कि ये बनाया गया। चलिए और यहां पर आप देख सकते हैं अभी नियर बाय 250 प्रोपेलेंट टैंक और 95 वाटर टैंक है जो कि ISRO को दे चुका है HAL, जिसमें GSLV MK2 हो गया, GSLV MK3 हो गया, इन सब के अंदर है जो कि इसको काम में लिया जा रहा है, ठीक है गाइस। चलिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फोटो है कुछ इस तरीके का प्रोपेलेंट टैंक है जो कि बनाया जाता है ना। HAL की बात करें 1940 में कंपनी का नाम था हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट, उसके बाद में 64 में इसका नाम चेंज होकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है जो कि पड़ा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर, माधवन जी इसके MD और चेयरपर्सन है जो कि अभी बने हुए हैं, ठीक है गाइस। 87% गवर्नमेंट के इसकी ओनर है, 30,000 के आसपास एम्प्लॉई है जो कि काम करते हैं। आगे बात करते हैं पेज नंबर 8 पे दोस्तों, यहाँ पे जो बात करेंगे हम लोग वो देखेंगे
नीरज चोपड़ा का जो जैवलिन था वो 1.5 करोड़ रुपए के अंदर दोस्तों ई ऑक्शन है जो कि हुआ है। आपको मालूम है ना, मोदी जी जो है वो सब चीज ले लेते हैं और उसको बेच देते हैं। हालांकि यार ये वाले ऑप्शन तो अच्छी बात है, मतलब इस ऑप्शन से जो पैसा रेज हुआ है वो नमामि गंगे प्रोग्राम में काम में लिया जाएगा, है ना। तो मोदी जी नीरज चोपड़ा से मिले तो बोले ये भी बेच दूँ। अरे बोला आप मत बेच दो, आप वैसे बेचने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। मना करते तो कितना बुरा लगे, बोला नहीं सर आप मत बेचो, मतलब आपके पास बहुत कुछ है। खतरनाक, मतलब एक भयंकर कॉमेडी हो जाए, मतलब है ना। चलिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों जो कि है इंडियन फोर्सेस को लेकर, है ना। इंडियन फोर्सेस टू कैरी आउट एक्सरसाइज विद यूके, तो यूके के साथ में दोस्तों हम लोग आर्म फोर्सेस जो है वो क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज है जो कि हम लोग करने वाले हैं। ओके, यूके का क्वीन एलिजाबेथ कैरियर स्ट्राइक है जो कि यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा और 6th एडिशन होगा दोस्तों। ये कौन सा एडिशन है? 6th एडिशन है। दोनों पार्टिसिपेट करेंगे किसके अंदर? अजय वॉरियर के अंदर, ठीक है। इंडिया और यूके ज्वाइंट कंपनी लेवल का मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जिसका नाम है अजय वॉरियर, ये करने वाले हैं। और ये कहां पे? उत्तराखंड के अंदर है जो कि ये करवाया जाएगा। यूके का मतलब है उत्तराखंड, चौबातिया नाम की एक जगह है वहां पे इसको करवाया जाएगा, ठीक है। 20 अक्टूबर तक ये खत्म होगा, है ना। इसके अलावा नेवी के भी जो है वो भी कुछ टाइम के अंदर दोनों के बीच में एक्सरसाइज है जो कि कराई जाएगी। इसके अलावा पैसिक्स नाम का एक्सरसाइज होती है दोस्तों, वो भी इंडिया और यूके के बीच में होती है। ओके, तो वो भी बे ऑफ बंगाल के अंदर है जो कि करवाई जानी है, जुलाई के अंदर है जो कि हुई थी, मतलब 2 दिन का बायलेटरल पैसेज एक्सरसाइज है जो कि करवाया गया था, ठीक है गाइज। चलिए, और अगर 2021 की बात करें तो अभी हमने युद्ध अभ्यास भी किया था, है ना, यूएस के साथ में। खंजर जो है वो किर्गिस्तान के साथ में भी किया था और IBSA MAR में ब्राजील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, उनके साथ में किया। इंडिया होता है रशिया के, इंदिरा होता है रशिया के साथ में। मालाबार के अंदर दोस्तों इंडिया, यूएसए, जापान, है ना, ये सब कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं। मिलान के अंदर बहुत सारे मल्टी एक्सरसाइज है, मल्टी कंट्री जो कि पार्टिसिपेट करते हैं। सिम्बेक्स है सिंगापुर के बीच में, इंडिया और सिंगापुर, और सिलिनेक्स है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। वरुणा जो है यह है आपके फ्रांस के साथ में, ठीक है। तो ये कुछ एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट रिसेंटली कुछ टाइम में हुई है। ओके, यूएस के साथ में जो युद्ध अभ्यास हुआ था वो सूरतगढ़ राजस्थान में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ये लोकेशन भी ध्यान रखनी है, ये उत्तराखंड के अंदर होगा, है ना। यूके का मतलब यूके के साथ में होगा लेकिन उत्तराखंड में होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, पेज नंबर 10 दोस्तों। यहाँ पे फाइनली दोस्तों यूके ने जो है वो घुटने टेक दिए। आपको मालूम है ना, यूके ने बोला था कि कोई भी इंडियन अगर आता है तो उसको 10 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। तो पहले तो हमारी कोविशील्ड को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, जैसे तैसे करके एक्सेप्ट किया क्योंकि उन्हीं के द्वारा, ऑक्सफर्ड के द्वारा बनाई गई थी और खुद ही मना कर रहे हैं, बड़ी अजीब बात है। उसके बाद में उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, आपने कोविशील्ड लगवा तो लिए लेकिन आपको 10 दिन तो क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। फिर हमने भी क्या कर दिया, टिट फॉर टैट किया, हमने भी बोला कि भाई आपके भी कोई लोग आएंगे तो उनको भी हम लोग 10 दिन क्वारंटाइन है जो कि रखेंगे। ओके, तो फाइनली दोस्तों यूके को समझ आ गई कि भैया दोनों की जगह पे क्वारंटाइन लोग रहे, इससे बढ़िया है कि ओपन कर दो, क्योंकि अभी केसेस जो है वो काफी डाउन हो चुके हैं और दुनिया में वैक्सीन काफी लग चुकी है, मतलब इंडिया और यूके वूके कंट्री में। तो अभी दोस्तों यूके ने ड्रॉप कर दिया 10 दिन का क्वारंटाइन फॉर इंडियंस 11 तारीख से, है ना, 11 अक्टूबर से जो है वो ड्रॉप कर दिया गया है। लेकिन ये भी बहुत होशियार लोग हैं, बोल तो दिया ड्रॉप कर दिया लेकिन वीजा देने में नाटक करेंगे ये लोग, है ना, बहुत नाटक करते हैं वीजा देने में यूके यूएस के लोग। मतलब अगर आपको यूके और यूएस का वीजा लेना है तो आपको दिल्ली में जाके इंटरव्यू देना पड़ता है, अजीब बात सोचिए। अगर आपको बाकी यूरोपियन कंट्री में जाना है तो आप अपने शहर में भी अप्लाई कर सकते हैं वीजा के लिए, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको यूके और यूएस के लिए अप्लाई करना है तो आपको दिल्ली एम्बेसी जाके वहां पे उनको इंटरव्यू देना पड़ेगा, तब जाके आपको अलाउ करेंगे बाहर जाने को लेकर। मतलब बड़ी अजीब बात है, और यूएस वालों का तो और भी खतरनाक है, मतलब। चलिए यहाँ पे पेज नंबर 11 की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो दोस्तों अर्थक्वेक आया कल पाकिस्तान के अंदर, 5.9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है, और जो बाल्टिस्तान वाला जो एरिया है ना, उस वाले बलूचिस्तान वाला जो एरिया है वहां पे दोस्तों 22 लोगों की मृत्यु है जो कि इस अर्थक्वेक के अंदर हो गई, ठीक है। हमारे लिए जो इस पेज पे जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग बात करेंगे, देख लेते हैं। हाँ, नए पाकिस्तान के ISI के जो हेड है जो कि बनाए गए हैं दोस्तों, तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल अंजुम जो है उनको नए चीफ है जो कि पाकिस्तान के ISI के बनाए गए हैं, ठीक है गाइस। तो इन्हें सरप्राइज मिलिट्री शेकअप, अभी रिसेंटली जो है वहां पे ISI के हेड है जो कि हटा दिए गए। ये ISI है दोस्तों जो कि एक तो मेजरली हमारे वाले रीजन में जो है टेररिज्म का बहुत बड़ा गढ़ है जो कि बना के रखता है, इनको मालूम है ऐसे तो हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ISI क्या करता है कि काफी सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को मदद करता है अनरेस्ट फैलाने के लिए, इंडिया, अफगानिस्तान, इन सारे कंट्रीज के अंदर। इनफैक्ट CIA जो अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसी, उन्होंने 2011 के अंदर एक्सेप्ट भी किया था कि भैया ISI जो है वो
रिग्रेसली हेल्प करता है। इन्होंने सोवियत, इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर पहले तालिबान को कंट्रोल करने में हेल्प करी, तालिबान को यूएसए खत्म कर देता, लेकिन जस्ट बिकॉज उनके पास में एक सेफ हेवन था यानी कि पाकिस्तान का सपोर्ट था, वो लोग भाग के पाकिस्तान के वाले एरिया में शरण ले लिया करते थे। पाकिस्तान के द्वारा पैसा, पाकिस्तान और सऊदी, ये दो कंट्री उनको पाकिस्तान मिलिट्री और मनी हेल्प जो कि अवेलेबल करवाते थे, और तालिबान को वहां से काफी सपोर्ट मिला और आज के टाइम पे वो कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इनको अपॉइंटमेंट है जो कि दिया गया है। ठीक है, आपको जान के हैरानी होगी कि पाकिस्तान का आईएसआई का फॉर्मेशन काफी पहले हो गया था हमारी रॉ से, लेकिन रॉ जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा बेटर मिलिट्री एक इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि मानी जाती है। आप देखिए पाकिस्तान का फॉर्मेशन 1948 में हो गया था, आजादी के बाद में इस्लामाबाद में इनका हेडक्वार्टर है। ओके, अंजुम को अभी यहाँ पे हेड है जो कि बनाया गया है। हमारा जो फॉर्मेशन हुआ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का रॉ का दोस्तों, वो रमेश्वर राव करके थे, रमेश्वर राव थे जो कि सबसे पहले फर्स्ट हेड है जो कि हमारे रॉ के बने थे। 1968 के अंदर हमने इसका फॉर्मेशन हुआ। कई सारी वॉर होने के बाद में समझ में आया हमें भी कि भैया अब तो बहुत ज्यादा जरूरत है, अब काम नहीं चलेगा। दिल्ली के अंदर सीजीओ कॉम्प्लेक्स में हेडक्वार्टर है। ठीक है, मोदी जी दोस्तों रेस्पॉन्सिबल मिनिस्टर है, सामंत गोयल है जो कि अभी सेक्रेटरी बने हुए हैं, जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी के उनके पास में रैंक भी है। ठीक है, पूरी दुनिया में दोस्तों 10,000 से ज्यादा हमारे रॉ के एजेंट्स है जो कि काम करते हैं। दुनिया के सारे कंट्रीज के अंदर रॉ के एजेंट्स है, कोई जो है बिजनेसमैन बन के काम कर रहा है, कोई वहां पे लेबर बन के काम कर रहा है, कोई वहां पे जॉब करके काम कर रहा है, तो अलग अलग जगह पे मतलब काम करते हैं। इनफैक्ट आपको पता भी नहीं चलेगा दिल्ली के अंदर हमारे एनआईए के इतने सारे ऑफिसर्स है जो कि बैगर बनकर, रेडी वाले बनकर, है ना, चाय वाले बनकर काम करते हैं, और किसी को समझ में भी नहीं आता कि ये कौन आदमी है मतलब, है ना। तो बहुत जरूरी होता है, इंटरनल जो हमारे सिक्योरिटी देखती है वो एनआईए देखती है, एक्सटर्नल जो देखती है वो हमारे रॉ देखती है। ठीक है, तो दुनिया की जो टॉप 10 एजेंसीज मानी जाती है उसके अंदर दोस्तों टॉप 3 के अंदर हमारी रॉ है जो कि मानी जाती है। इनफैक्ट कई सारे लोगों ने तो रॉ को नंबर 1 तक जो है वो बताया है। उसके अलावा मोसैड है दोस्तों जो कि इसराइल की मानी जाती है, CIA जो है वो अमेरिका की है, ISI पाकिस्तान, MSS है मिलिट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, ये चाइना की मानी जाती है, MI6 जो है दोस्तों वो UK की है, ASIS ये ऑस्ट्रेलिया की है, ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज DGSE ये फ्रांस की है, BND जर्मनी की है। ओके गाइज, और FSB जो है ये आपके रशिया की है, फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज ऑफ रशियन फेडरेशन। तो ये दुनिया की टॉप 10 एजेंसीज है। आगे बात करते हैं पेज नंबर 12 पे चलते हैं दोस्तों। वर्ल्ड बैंक ने भारत के फाइनेंशियल 2022 की ग्रोथ फोरकास्टिंग करी 8.3%। ओके, फिंच ने करी 8.7% और इतनी ही 8 से 9 के बीच में UN ने भी करी है, सब ने करी है। पेपर में आजकल ये वाले सवाल नहीं आते क्योंकि हर 3 महीने के अंदर ही अपनी फोरकास्टिंग बदल देते हैं, कम ज्यादा कर देते हैं, तो इसलिए अब आज के लिए सवाल आना बंद हो गए, वरना पहले तो आते थे मतलब। ठीक है, इसके अलावा बात करें लिंक्डइन में सर्वे हुआ, 55% प्रोफेशनल ने बोला कि भैया बहुत टेंशन में जी रहे हैं हम, तो बहुत स्ट्रेस है जीवन के अंदर, घर पे काम करते करते परेशान हो गए मतलब, और कंपनी वाले बोलते हैं घर से ही काम करो तुम लोग, तो 55% जो है लिंक्डइन के सर्वे में बताया गया कि वो स्ट्रेस है। आप लोगों ने भी कहीं से अगर लिंक्डइन पे प्रोफाइल नहीं बना रखी है, अगर आप जॉब करना चाहते हैं कहीं पर, तो डेफिनेटली लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ, फर्जी नहीं है। लिंक्डइन सबसे बेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर सोशल अगर कोई होता है तो सिर्फ किस लिए होता है, काम की वजह से होता है, जॉब की वजह से अपने के और अप्लाई करने के लिए। तो आपको सारे HR विचार कंपनी के जितने भी हेड होते हैं सारे आपको लिंक्डइन में मिल जाते हैं, तो आपको प्रोफाइल बनानी चाहिए। अगर आपको जॉब चाहिए तो आप वहाँ पे कनेक्ट करिए लोगों से, और अगर आपके पास कोई स्किल है तो अपने वहाँ पे कनेक्ट करके आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके, वहाँ पे आपको काफ़ी लोग हेल्प कर देते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अंशु की। हमने कल बात करी थी ना, पहली महिला दोस्तों हमारे भारत की जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर क्या किया, वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में जो पहुंची है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो कि 7-11 को लेकर, 7-11 स्टोर को लेकर। ठीक है गाइस, अगर आपने दोस्तों इंडिया में तो आपने देखे नहीं होंगे, लेकिन अगर कभी बाकी कंट्रीज में जाओगे ना, साउथ ईस्ट एशिया जाओगे, यूरोप जाओगे, तो आपको बहुत जगह पे दोस्तों 7-11 के स्टोर देखने को मिलेंगे। ये वैसे स्टोर होते हैं जैसे कि हमारे यहाँ पे एक तरीके से जो ग्रोसरी वाले नहीं होते क्या, तो एक अपग्रेडेड ग्रोसरी स्टोर है एक तरीके से। यहाँ पे पानी से लेकर सब कुछ आपको खाने पीने का सामान है जो कि कोल्ड स्टोरेज के फॉर्म पे मिलता है, छोटी सी दुकान होती है, है ना, लेकिन बहुत ज्यादा यूटिलिटी स्टोर है, मतलब सब कुछ मिल जाएगा आपको खाने पीने का इसके ऊपर। हमारे इंडिया में नहीं है, लेकिन अभी रिलायंस रिटेल ने दोस्तों वेंचर किया है और होली ओन सब्सिडरी जो 7 इंडिया कन्वीनियंस रिटेल स्टोर है जो कि ओपन कर रहे हैं। US की दोस्तों बहुत बड़ी कंपनी है ये 7-11। ओके, वो इंडिया में भी लॉन्चिंग है जो कि इनकी होने वाली है। मुंबई में पहला स्टोर है जो कि ये लोग ओपन कर रहे हैं, फ्रेंचाइजी पैक के तहत दोस्तों इंडिया के अंदर रिलायंस स्टोर है जो कि इसको ओपन कर रहा है। समझिए मेरी बात, दुनिया में बहुत फेमस है सबसे, मतलब यहाँ पे डिस्काउंटेड भी मिल जाती चीजें और काफी सामान है जो कि इसके अंदर आपको मिल जाता है। छोटा सा स्टोर होता है लेकिन सामान बहुत सारा होता है।
समझ गए, कुछ इस तरीके के कलर के होते हैं, 7-Eleven बहुत जगह पे देखने को मिलेंगे। अगर आप कंबोडिया थाईलैंड जाओगे तो वहाँ पे तो आपको हर 4 गली के अंदर ही एक स्टोर देखने को मिलेगा, समझ गए। कई सारे ऐसे आइलैंड है जहाँ पे इनके अलावा कुछ है ही नहीं, मतलब यही है जो भी है, मतलब माय बाप वहाँ पे। ओके, तो बहुत होली ऑन सब्सिडरी कंपनी है और 1927 में इसका फॉर्मेशन किया गया था थॉमसन के द्वारा। यूएस में इसका हेडक्वार्टर आप देख सकते हो, 71,000 लोकेशन के ऊपर इनके स्टोर है जो कि आपको देखने को मिलते हैं ना। जोसेफ डेपिंटो है जो कि सीईओ और प्रेसिडेंट है, स्टैनले जो है सीएफओ है। ओके गाइस, चलिए 45,000 लोग है जो कि इसके अंदर काम करते हैं, काम भी 2-3 लोग ही करते हैं इसमें। आगे बात करते हैं अंशु की दोस्तों, तो इंडिया को फर्स्ट गोल्ड मेडल के लिए अभी और वेट करना पड़ेगा क्योंकि फाइनल के अंदर दोस्तों अंशु जो है वो हार गई। यहाँ पे सिल्वर मेडल उनको मिला है, पहली महिला जिनको सिल्वर मेडल मिला वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग के अंदर 57 kg के अंदर, 2016 के ओलंपिक जो चैंपियन थी। ओके गाइज, उनको यहाँ पे गोल्ड मेडल है जो कि यहाँ पे मिला है, मात्र 19 साल की है, मात्र 19 साल की, यानी कि मतलब हम आने वाले टाइम पे गोल्ड है जो कि देश इनसे एक्सपेक्ट कर सकता है। चलिए ठीक है, ऑल राइट। इसके अलावा सरिता जी ने ब्रॉन्ज है जो कि यहाँ पे उन्होंने जीत लिया है, फर्स्ट ये पांचवी प्लेयर है जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हमने पढ़ा था ना कल परसों कि 4 प्लेयर ऑलरेडी को ब्रॉन्ज मेडल मिल चुका है। ठीक है, ऑल राइट, एक बार वीडियो को शेयर कर देना गाइज, एक बार वीडियो को शेयर कर देना व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, सब जगह पे, ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके। चलिए इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो दोस्तों आज आपको मालूम है ना 8th of October है और क्या मनाया जाता है, इंडियन एयरफोर्स डे है जो कि मनाया जाता है, समझ गए मेरी बात। चलिए, और इसीलिए दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस में बोइंग, एयरबस बहुत सारे एडवर्टीजमेंट है जो कि आज आपको देखने को मिलेंगे। ओके चलिए, तो यहाँ पे बात करें तो पेंडोरा पेपर्स के बारे में, यहाँ पे दोस्तों कशीनगर के बारे में। ओके, तो बाकी तो कुछ यहाँ पे और नहीं है फ्रंट पेज पे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि यूएन की रिपोर्ट को लेकर दोस्तों, है ना। अभी दोस्तों यूएन की रिपोर्ट आई है जिसमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बारे में बात करी गई है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बारे, पॉवर्टी इंडेक्स है जो कि यहाँ पे रिलीज किया गया है। पहली बात तो देखो, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो इंडेक्स है ये रिलीज किया जाता है यूएन के द्वारा, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, समझ गए। चलिए, और यूएन डेवलपमेंट है ना, यूएन का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसको अपन यूएनडीपी कहते हैं, ओके, वो इसको रिलीज करते हैं यूएनडीपी, किसके साथ में मिलके, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी और ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के साथ में मिलकर इस रिपोर्ट को जारी करते हैं। इसके अंदर दोस्तों बताया गया है कि हमारे देश में 6 में से जो 5 लोग जो पुअर है ना, वो लोअर कास्ट और ट्राइबल वाले लोग हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट फाइंडिंग है। ओके, 6 में से 5 लोग जो पुअर है वो लोअर कास्ट और ट्राइब के हैं, तो इनके अपलिफ्टमेंट को लेकर दोस्तों सरकार को काम करना चाहिए, तब जाके पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस हो पाएगी। अगर 6 में से 5 लोगों के ऊपर अगर आपने काम किया, मतलब रिजर्वेशन लगाया, लेकिन रिजर्वेशन का फायदा एक्चुअली में जिन लोगों को मिलना चाहिए था, मल्टीपल लोगों को फायदा मिल रहा है। एक्चुअली में रिजर्वेशन वैसे सोशल बैकग्राउंड पे लगाया गया था, लेकिन आज के टाइम पे सोशल थोड़ा कम हो गया, इकोनॉमिकली पैरामीटर थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो अब ऐसा होना चाहिए कि चलो ठीक है, जिनको एक बार रिजर्वेशन का फायदा मिल गया फिर उनको आगे ना मिल पाए और लोगों को उसका फायदा मिल पाए। तो रिजर्वेशन का इतना ज्यादा बेनिफिट जो हम लोग बात कर सकते हैं, मिला बेनिफिट डेफिनेटली मिला है, मतलब ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर 6 में से 5 पॉवर्टी अगर अभी भी लोअर कास्ट में है तो थोड़ा सा सरकार को इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, अलग डायरेक्शन के अंदर, है ना, थोड़ा सा अवेयरनेस कैंपेन चलाना, एजुकेशन के ऊपर काम करना, लिटरेसी रेट को क्वालिटी लिटरेसी रेट बनाना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे, ताकि अपलिफ्ट कर सके। तो यहाँ पे बताया गया है, ओके, कि हमारे यहाँ पे जो 9.4% जो पॉपुलेशन है शेड्यूल ट्राइब की, ओके गाइज, वो हमारे यहाँ पे पुअरेस्ट है, यानी कि 65 मिलियन 6.5 करोड़ के आसपास है, ओके, जो कि पॉवर्टी के अंदर यहाँ पे रह रहे हैं, मतलब 1/6 जो पॉपुलेशन है, मतलब वो यहाँ पे एससी की पॉपुलेशन किसमें बताई जा रही है, पॉवर्टी के अंदर बताई जा रही है। ओके गाइज, चलिए, इसके अलावा शेड्यूल कास्ट 33% शेड्यूल ट्राइब मिला के, तो यहाँ पे तो और भी खतरनाक नंबर है, मतलब बहुत ज्यादा नंबर है। तो यहाँ पे इसके अंदर रैंकिंग नहीं बताई गई, नंबर से जो कि यहाँ पे बताए गए, 1.3 बिलियन मल्टी डायमेंशनल पुअर पीपल स्टडीड ग्लोबली, जिसमें से 2/3 जो है दोस्तों, है ना, वो है जहां पे किसी भी महिला ने अपने 6 साल स्कूलिंग के भी पूरे नहीं करे। सोचिए कितनी बड़ी बात है, आप एक बार कि दुनिया के 1.3 बिलियन लोगों के ऊपर स्टडी करे गए, जिसमें से 2/3 जो लोग थे ना, ये वो फैमिलीज थी जिसके अंदर किसी भी वुमेन ने, वुमेन के को 6 साल की भी स्कूलिंग अवेलेबल नहीं हुई थी। तो महिलाओं का एजुकेट होना कितना ज्यादा जरूरी होता है घर का, वो इसके अंदर बताया गया है। इसके अलावा भी रैंकिंग बताई नहीं गई है, रैंकिंग आ जाएगी 1-2 दिन के अंदर और। ओके, तो यहाँ पे 2020 के अंदर भी ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को रिलीज किया गया था,
और 75 कंट्रीज का स्टडी है जो कि लास्ट ईयर करा गया था, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे बताया गया था कि 1.3 बिलियन पीपल आर स्टिल लिविंग इन द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, 80% जो है ओके उनको हेल्थ एजुकेशन लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो काफी पुअर है जो कि बताए गए, और ज्यादातर जो इसमें बच्चे थे दोस्तों 18 साल से कम के ही बच्चे थे, मतलब जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बच्चों के ऊपर बर्डन है जो कि बहुत ज्यादा था। हालांकि 75 में से 65 कंट्रीज ने दोस्तों पॉवर्टी को रिड्यूस करने को लेकर काम किया पिछले 20 सालों में, 84% दोस्तों सब सहारन अफ्रीका और साउथ एशिया वाले कंट्री में रहते हैं, 67% जो पुअर है दोस्तों मिडिल इनकम कंट्रीज में देखने को मिलेंगे। इंडिया सिनेरियो की बात करें तो हमने दोस्तों काफी काम किया 2005 से लेकर 2015 तक, 10 सालों के अंदर हमने इस ड्यूरेशन में 27 करोड़ लोगों को दोस्तों पॉवर्टी से निकालने में सक्सेस है जो कि हासिल करी। ओके, चाइना ने दोस्तों अपने 7 करोड़ लोगों को 4 साल के अंदर ही पॉवर्टी से निकाल दिया। बांग्लादेश ने भी दोस्तों नियर बाय 2 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से 4 साल के अंदर ही 5 साल में निकाल दिया लास्ट के अंदर, ठीक है। तो वो सिनेरियो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है गाइस। चलिए तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, 2010 के अंदर इसकी रिपोर्ट है जो कि पहली बार पब्लिश हुई थी, और है ना इसके अलावा इसके अंदर जो क्राइटेरिया कंसिडर करे जाते हैं वो 3 क्राइटेरिया होते हैं। एक तो होता है एजुकेशन, ईयर ऑफ स्कूलिंग है ना, 6 साल तक की एजुकेशन देखी जाती है। एक हो गया आपका हेल्थ, चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड न्यूट्रिशन। तीसरा होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, ये सब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो ये 3 पैरामीटर के ऊपर दोस्तों ये डायमेंशन है जो कि निकाले जाते हैं। टोटल मिला के 10 इंडिकेटर है 3 डायमेंशन के ऊपर, समझ गए। टोटल तो 10 इंडिकेटर है, आप देख सकते हो यहाँ पे 10 इंडिकेटर है लेकिन 3 पैरामीटर के अंदर है वो, 1, 2 और 3, ये 10 पैरामीटर है टोटल, 10 इंडिकेटर्स है, ठीक है गाइस। तो ये पेपर में पूछेंगे आपसे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक पर्सन को मल्टी डायमेंशनल पुअर माना जाता है अगर उसको 33% भी 10 में से कोई सुविधा नहीं मिल पाती है तो, ठीक है। और अभी हमारे भी दोस्तों पॉवर्टी बहुत ज्यादा है एक्चुअली के अंदर, हम लोग जो है वो पॉवर्टी का पैरामीटर हमने बहुत लो रखा हुआ है। हमारे यहाँ पे दोस्तों क्या है कि दो तरीके, मैं आपको बोलता ना, दो तरीके के इंडिया बसते हैं, एक तो भारत है और एक इंडिया है, मतलब। तो हमारे यहाँ पे हमने जो बीपीएल की जो कैटेगरी रखी हुई है बहुत ही कम रखी हुई है, 800-900 रुपये पर मंथ पर पर्सन खर्चा करने वाला आदमी जो 900 रुपये से ऊपर है वो पॉवर्टी में नहीं माना जाता है। सोचिए कितना कम है, 900 रुपये में क्या पूरा महीना आपका रहना, खाना, काम करना, आपकी मेडिकल आना जाना, ये सब क्या एक आदमी का 900 रुपये पर मंथ में हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। और उसके ऊपर वाले को पॉवर्टी में नहीं इंक्लूड किया जाता हमारे देश के पैरामीटर में। अगर कर लिया जाए तो हमारे देश में दोस्तों 40% जो है वो पुअर पॉपुलेशन आज भी आपको देखने को मिलेगी। अगर आप एक यूएन का क्राइटेरिया जो होता है ना, $1.5 से $2 पर पर्सन पर ईयर कमाने वाला पर्सन देखोगे तो देश की 40-60% पॉपुलेशन उसी दायरे में आ जाती है, ठीक है। तो हेल्थ जो डायमेंशन है वो SDG के गोल के अंदर भी है, SDG 2 0 अंदर, SDG 3 हेल्थ एंड वेलबींग, एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन SDG 4 के अंदर है, और बाकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में पॉवर्टी 1 है, क्लीन वाटर 6 है, अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी 7 और सस्टेनेबल सिटीज 11। तो ये आपके SDG के गोल है जो कि इसके अंदर इंक्लूड करे जाते हैं, ठीक है। चलिए भारत की जो परफॉर्मेंस थी वो क्या थी, 107 कंट्री में हम लोग 2020 में 62 के ऊपर थे, हमारा जो स्कोर था वो 0.123 था, ठीक है। हमारे जो आसपास के पड़ोसी देश है वो हमसे काफी बेहतर है, श्रीलंका, भूटान का तो खैर पीछे 68 पर है, नेपाल 65 पे, बांग्लादेश हमसे आगे हो गया, श्रीलंका हमसे आगे हो गया, चाइना हमसे आगे हो गया, ठीक है। 3 कंट्रीज हमसे आगे हैं, बाकी 3 कंट्री हमारे से पीछे हैं। चलिए ठीक है गाइस, आगे बात करें, PM2 लॉन्च इंडियन स्पेस एसोसिएशन। तो मोदी जी दोस्तों इंडियन स्पेस एसोसिएशन है जो कि लॉन्च करने वाले, एक ग्रुप है जिसके अंदर स्पेस और सैटेलाइट कंपनीज है, एक वर्चुअल इवेंट है जो कि 11 अक्टूबर को होगा। ओके, यहाँ पे कई सारे ग्लोबल कॉर्पोरेशन भी है जो कि इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है गाइस। चलिए तो आप देख सकते हैं इंडियन स्पेस एसोसिएशन ग्रुपिंग है स्पेस और सैटेलाइट कंपनीज की, और कई सारे कॉर्पोरेशंस भी इसके अंदर इंक्लूड है। इसके अंदर फाउंडिंग मेंबर है भारतीय एयरटेल, L&T है, नेल्को टाटा ग्रुप का, वन वेब हो गया, मैपमा इंडिया, ओके, और ये सारी सारी कंपनी है जो कि इसके अंदर फाउंडिंग मेंबर है, और इसके अलावा गोदरेज है और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि इसके कोर मेंबर्स हैं, ठीक है। इसके जो हेड बनाए गए उनका नाम है AK भट्ट है जो कि अभी इसके डायरेक्टर जनरल है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, जल्दी से आंसर बताइए। UNDP ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी और ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, 75 कंट्रीज की स्टडी के ऊपर बेस्ड था, 84% जो है पुअर सब सहारन और साउथ एशिया में रहते हैं। कौन सा स्टेटमेंट गलत है, मतलब सही कौन सा है? चलिए बिल्कुल सही, देखिए जल्दी बताइए आंसर।
एक बार शेयर कर देना गाइस वीडियो को। चलिए आंसर बिल्कुल सही है, डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है गाइस, चलिए जनसत्ता की बात करें तो यहाँ पे जनसत्ता के अंदर तो कुछ भी ऐसा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, वही सारी न्यूज है जो कि हमने कवर करी है ना। चलिए एक बच्चा यहाँ पे बोल रहा है ब्राह्मण को लेकर कि ब्राह्मण ये नहीं समझते। देखो एक आपको एक बहुत ही बेसिक सी बात बताता हूँ कि पहले के टाइम पे जब ये कास्टिज्म डिवाइड किया हुआ था ना ब्राह्मण क्षत्रिय, तो ये किसके वर्क के नाम पे हुआ था, काम के नाम पे हुआ था, कभी भी है ना हेरिडिटी नहीं था ये कभी भी। ओके, जो जैसा काम करेगा वैसा उसको दे दिया गया था। पहले के टाइम पे आर्यन ने डिवीजन किया था, समझ गए पहले, तो ये पहली बात तो डिवीजन ही गलत था। पहली बात तो ब्राह्मण दोस्तों जो होता है वो अपने कर्म से होता है, कभी भी जात से नहीं होता है। कोई भी किसी भी कास्ट का हो, अगर उसको वेदों का ज्ञान है, अगर उसको किताबों का ज्ञान है, अगर उसको किसी भी चीज़ का बहुत अच्छा ज्ञान है और उस ज्ञान से अगर किसी को बेनिफिट मिल रहा है, डजंट मैटर वो कौन सी कास्ट से बिलोंग करता है, कौन सी जाति से, कौन से रिलीजन से बिलोंग करता है, दैट पर्सन इज कंसिडर एज अ ब्राह्मण। तो ये रियल डेफिनेशन होती है, लेकिन लोग समझते नहीं है, लोगों को पता नहीं है। जो जितने ज़्यादा जिनके अंदर इग्नोरेंस होती ना जितनी ज़्यादा, उतनी फर्जी फालतू बातें, हेट्रेट, रिलीजन वो उतनी ज़्यादा करते हैं, है ना। तो कभी भी आपको लगे कि ये बंदा जो है आर्गुमेंट मत करना किसी के साथ में, जो आपको इस लेवल पे आदमी दिख जाए ना कि बहुत ज़्यादा आर्गुमेंटेटिव है, समझने को रेडी नहीं है, है ना, और उसके दिमाग में ही पहले से ही बहुत गलत धारणाएं बनी हुई है, वो चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है उन लोगों को, है ना। तो जो ज्ञान दे, जो ज्ञान की बातें करे, उसको ब्राह्मण बोला जाता है। ब्राह्मण अपनी जाति से नहीं, अपने कर्म से होता है। कर्म क्या है उसका, पढ़ाना पढ़ना, पहले के टाइम पे यही हुआ करता था। ठीक है, सिंपल सी कहानी है। चलिए ठीक है गाइस, नासा टू लॉन्च डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। ये देखिए बहुत ही जबरदस्त इनिशिएटिव है। आपको मालूम होगा कि आज से 66 मिलियन ईयर पहले क्या हुआ था कि हमारे अर्थ के ऊपर एस्ट्रॉइड टकराया और हमारे यहाँ पे बेचारे डायनासोर जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाए, डायनासोर खत्म हो गए। ओके, उसके बाद वापस से लाइफ स्टार्ट हुई, वापस से एस्ट्रॉइड टकराया, वापस से जो है क्या हो गया, डायनासोर दो बार आए, दो बार दोस्तों खत्म हो गए। अभी दोस्तों हमारे इंसान के ऊपर ऐसा ना हो जाए कि एस्ट्रॉइड टकरा जाए और हम लोग जो है यहाँ पे इतने एग्जाम की तैयारी के अंदर टेंशन के अंदर है, वो सब जो है फुर हो जाए। ओके, इसलिए दोस्तों नासा ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है कि अगर कल को ऐसा होता है कि कोई एस्ट्रॉइड अगर हमारे डायरेक्शन की तरफ आ रहा हो, अर्थ की तरफ, हमारे पास सैटेलाइट का तो दोस्तों बहुत ज्यादा सैटेलाइट लगा रखी है अर्थ के ऊपर, जो अगर आप रियल इमेज देखोगे ना तो अर्थ आपको दिखेगी नहीं, उसके ऊपर सैटेलाइट सैटेलाइट नजर आएगी, हजारों सैटेलाइट ने दोस्तों अर्थ को कवर कर रखा है। ओके, लेकिन अगर एस्ट्रॉइड आता है तो अर्थ को नुकसान हो जाएगा अगर वो टकरा गया तो नासा ने क्या बोला है कि हम इसको डिफ्लेक्ट करने के ऊपर काम करेंगे कि कल को अगर एस्ट्रॉइड हमारे अर्थ पर टकराने को आया तो हम कुछ ऐसा स्पेसक्राफ्ट भेजेंगे जिससे उसके डायरेक्शन को वो डिफ्लेक्ट कर दे और हमारे अर्थ के ऊपर ना टकराए। तो ये प्रोबेबिलिटी है ना दोस्तों, इसको करने के लिए, पूरी करने के लिए एस्ट्रॉइड किलिंग डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट जो कि डार्ट नाम से किया जा रहा है। अब इसमें दो चीजें होगी, या तो उसको डायरेक्शन बदल दिया जाए या उस एस्ट्रॉइड को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, समझ गए मेरी बात। तो ये दो काम है जो कि करने के लिए बोला गया है दोस्तों नासा के द्वारा। इस मिशन का नाम है दोस्तों डार्ट, DART, फाल्कन 9 के द्वारा रॉकेट को भेजा जाएगा। ओके, कैलिफोर्निया से, और एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि यहाँ पे यूज करी जाएगी। देखिए डार्ट लॉन्च किया जाएगा अभी, और ये क्या करेगा एस्ट्रॉइड, ये देखिए दो है ना, डायमोज और डायमोन, इन ये दो एस्ट्रॉइड के ऊपर दोस्तों इनको ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, इनको डाइवर्ट करके, इनको डिस्ट्रॉय करके, है ना। तो एक डिफेंस सिस्टम है जो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं अगेंस्ट द एस्ट्रॉइड कोलिजन। ठीक है, तो एस्ट्रॉइड के कोलिजन से अपने आप को बचाने को लेकर, तो एक डायमोज एस्ट्रॉइड सिस्टम है जो कि अप्रोक्सीमेटली 109 करोड़ किलोमीटर दोस्तों हमारे यहाँ से दूर है, जिसके अंदर दो एस्ट्रॉइड है दोस्तों, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायमोर्फोस और डायमोज। तो इन दोनों को दोस्तों क्या किया जाएगा, डिफ्लेक्ट किया जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इंपैक्टर यूज किया जाएगा, है ना, और इनको डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश करी जाएगी। ठीक है गाइस, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, आप यहां पे एक वीडियो भी है, आपको एक वीडियो भी आप देख सकते हैं। वीडियो था वैसे आ रही है, ठीक है, हाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मिशन है जो कि बनाया गया है।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एस्ट्रॉइड पे टकरा के उसको डाइवर्ट करना है, डिस्ट्रॉय करने का काम है जो कि नासा ने प्लान किया है। ठीक है गाइस, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। ये हमने देख लेते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन बताइए जल्दी से। अंडर दिस मिशन स्पेसक्राफ्ट जो होगा वो डायमोज एस्ट्रॉइड सिस्टम को 109 किलोमीटर दूर जो है वो क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। इसके अंदर दो हैं दोस्तों, डायमोज और डायमॉर्फस, कौन सा स्टेटमेंट सही है? चलिए बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे आपका, सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, एक बार शेयर कर देना गाइस वीडियो को, अगर आपने शेयर नहीं किया आपने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, सब जगह पे एक बार शेयर कर दो वीडियो को ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके। चलिए आगे बात करते हैं जो कि है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन को लेकर, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है पूरे देश के बच्चों को। तो यूनियन मिनिस्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने दोस्तों मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन है जो कि चलाया 5 अक्टूबर को। कैंपेन दोस्तों 10 तारीख तक चलेगा और इसमें वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो आपके 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, ओके, उसको यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए इसको क्या किया जा रहा है, ये अवेयरनेस कैंपेन है जो कि चलाया जा रहा है ताकि जो मेंटल हेल्थ है उसका भी ध्यान रख सके। देखिए लोग अक्सर अपने फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं लेकिन मेंटल हेल्थ भी उतनी ही जरूरी होती है जितनी कि आपकी फिजिकल हेल्थ। कई बार आपको लगता है कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है, बिल्कुल भी कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, एग्जाम नहीं क्रैक हो रहा है, कोई बात नहीं, ब्रेक ले लो, 2 दिन का पिक्चर देखो, दोस्तों के साथ जाओ, घर वालों के साथ जाओ, जो करना है करो, सो जाओ 2 दिन के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है। जितना ध्यान रखोगे उतना ही ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है जो कि आप दे पाओगे। कोशिश करो आधा एक घंटा कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेल सको। आप हमेशा देखना कोई भी आपको जो टॉपर्स मिलते हैं ना, हमेशा मैक्सिमम आपको देखने को मिलेंगे कि वो कोई ना कोई स्पोर्ट्स या एक्टिविटी अपने साथ हमेशा रखते हैं, आधा एक घंटा अपने मेंटल स्ट्रेस को बस करने के लिए, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए। तो आधा एक घंटा दे दिया करो, अपने घर से बाहर निकला करो, सोशल वेलफेयर करो, एक्सरसाइज करो, जिम करो, रनिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन दो थोड़ा सा टाइम ताकि आपकी मेंटल हेल्थ भी उतनी अच्छी रहे। ओके, हमारे यहाँ पे दोस्तों ये डिप्रेसिव डिसऑर्डर बहुत ज्यादा, 6.7% अडल्ट, ओके, हमारे यहाँ पे 7% अडल्ट है जो कि डिसऑर्डर से ग्रसित है लेकिन उनको पता ही नहीं है, 5 में से 1 आदमी जो है, ठीक है। बाइपोलर डिसऑर्डर भी देखने को मिलता है, 6 मिलियन लोगों को इस तरीके से रह रहे हैं। और 10th यूएस के अंदर दोस्तों 10वां लीडिंग कॉज है सुसाइड, है ना, 56% जो अडल्ट है उनको पता ही नहीं है उनके ट्रीटमेंट को लेकर, वो जाते नहीं, उनको लगता है कि लोग पागल घोषित नहीं करते, वो मेंटल हेल्प लेने को तैयार ही नहीं। अगर सोचिए अगर इसी कैंपेन को अगर हम लोग बहुत अच्छे स्केल पे करवाएं, लोगों को अगर सच में देश के हर एक जनता तक पहुंचे, तो शायद आज हमारे साथ में सुशांत सिंह राजपूत भी हमारे साथ में होते और हमें और अच्छी मूवीज जो है, अच्छा सिनेमा है जो कि दे रहे होते। क्योंकि प्रॉब्लम यही है, मतलब हमारे यहाँ पे कोई बात करने को रेडी नहीं है, समझाने को रेडी नहीं है, है ना, समझने को रेडी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। 3 करोड़ लोग हैं दोस्तों जो कि ईटिंग डिसऑर्डर से ग्रसित है। मेंटल इलनेस की बात करें तो 90% जो है सुसाइड करते हैं वो हमेशा मेंटल इलनेस से ही दोस्तों ग्रसित होते हैं। तो यहाँ पे कुछ नंबर बताए गए हैं, कई सारे एक्टिविटीज की जाएगी, साइकिल रैली करना, रिबन कैंपेन है, शॉर्ट फिल्म रिलीज है, लॉन्च किया जाएगा ब्रेक, ठीक है, ब्रेक द स्टिग्मा हैशटैग कैंपेन चलाया जाएगा, ये कुछ कैंपेन है जो कि इसके अंदर चलाए जाएंगे। ठीक है गाइस, इंडिया में बात करें दोस्तों तो 20 में से 1 आदमी हमारे यहाँ पे डिप्रेशन से ग्रसित है। 0.9% पॉपुलेशन दोस्तों हाई रिस्क ऑफ सुसाइड के ऊपर है। 10% दोस्तों मेंटल इलनेस से है। बहुत सारे नंबर है, मतलब आप देख सकते हैं आपके सामने ही है। ओके, 6 करोड़ लोग हैं जो कि मेंटल इलनेस से हमारे यहाँ पे इफेक्टेड है। चलिए ठीक है गाइज, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो कि 10 तारीख को मनाया जाता है उसको कैंपेन को लेकर बताया गया है। ठीक है, चलिए हिस्ट्री की बात करें तो पहली बार दोस्तों उसको 1992 के अंदर है जो कि स्टार्ट किया गया था। ओके, कोई स्पेसिफिक थीम है जो कि उस टाइम पे इसकी नहीं रखी गई थी। ओके, 1994 में इंप्रूवाइज द क्वालिटी ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विस है जो कि रखी गई, और 1994 में जो इसका पहली बार थीम है जो कि रखी गई थी। सवाल है दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे किस ईयर में पहली बार इसको मनाया गया, वर्ल्ड का फर्स्ट मेंटल हेल्थ डे। अभी अभी बताया यार क्वेश्चन आंसर क्या कर, 1992। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं जो कि है रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री स्कीम फॉर गुड सेमेटेरियंस। देखिए अच्छे लोग, आप एक जमाना हुआ करता था जब कोई किसी की रोड के ऊपर मदद किया करता था तो लोग क्या करते थे, वही आदमी बेचारा फंस जाया करता था। धीरे धीरे दोस्तों 2000 के बाद में सरकार ने कैंपेन चलाया और ये बोला कि रोड पे अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो आप उसकी मदद करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको वहाँ पे कोई पूछताछ नहीं होगी, आप हॉस्पिटल में जमा करो और वहां से चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपसे पूछताछ नहीं करेगा। 2000 से लेकर 2010 के बीच में दोस्तों ये चीज काफी फेमस हुई, डीडी न्यूज से लेकर जितने भी हमारे चैनल है सब जगह पे इसको प्रमोट किया गया, लोगों ने मदद करना स्टार्ट भी किया। आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ इसी वजह से, क्योंकि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था जब मैं 18 साल का था, बहुत तेज बारिश हो रही थी,
ओके, एक टवेरा गाड़ी मेरे दोनों के पैरों के ऊपर से चली गई थी। मेरा ब्रेन का जो है सिर है उसके आगे जो मिरर होता है, फ्रंट स्क्रीन होती है, उससे टकरा गया था। ओके, और वो ड्रंक था ड्राइवर, दिन के टाइम पे वो ड्रंक था। और जिस जगह पे मैं गया था, मैं मेरे काम से भी नहीं गया था, किसी फ्रेंड को ड्रॉप करने गया था, ड्रॉप करते हुए वापस आ रहा था। मुश्किल से 10 सेकंड पहले मैंने हेलमेट पहना था, क्योंकि मैंने कॉन्टेक्ट लेंसेज लगा रखे थे तो पानी जा रहा था, तो मैंने हेलमेट पहन लिया। थैंक गॉड हेलमेट पहन लिया, उसके वजह से ज़्यादा इंजरी सिर के ऊपर नहीं हुई, हुई थी लेकिन ज़्यादा नहीं हुई थी। और वहाँ पे वो जिस रोड पे हुआ था एक्सीडेंट, उस रोड पे शायद ही कोई आता होगा। और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, 2008 की पहली बारिश थी और बहुत तेज़ बारिश थी। लेकिन किस्मत से दो लड़के थे, आई डोंट नो कौन थे वो, उन्होंने वो वहाँ से जा रहे थे, उन्होंने इतनी बारिश के अंदर खुद को रोक कर मेरे को हॉस्पिटल पहुँचाया। और आई डोंट, मैं जब मुझे होश आया जब वो नहीं थे वहाँ पे। लेकिन थैंक गॉड, मतलब जहाँ पर भी हो गॉड हमेशा उनको हेल्प करे। और मेरे जैसे जब बहुत सारे लोगों की, लोगों ने हेल्प करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि देख के चले जाते हैं। उनको लगता है यार हम क्यों करें, हम क्यों हमारा टाइम खराब करें। तो ये सोच मतलब बहुत गलत है। आप सोच भी नहीं सकते कि एक लाइफ को आप कितने, आप अपने आधा घंटा देके एक लाइफ को आप बचा सकते हैं। तो आज के टाइम पे दोस्तों ये इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च किया गया है, अगर कोई किसी को हॉस्पिटल में पहुंचाएगा तो उसको 5,000 रुपीज का एक प्राइज मनी भी जो है वहाँ पे सरकार के द्वारा दिया जाएगा। क्योंकि आज भी टाइम पे दोस्तों दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा कई सारे वीडियो यूट्यूबर्स बनाते हैं जिसके अंदर लोग है ना एक पोर्ट्रे करते हैं अपने आप को, लोग कोई मदद करने नहीं आते हैं। ये बहुत गलत चीज़ है मतलब। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, कभी भी आपको ऐसा लगे थोड़ा सा टाइम निकाल के किसी के जीवन है जो कि आप बचा सकते हो, इनफैक्ट मेरे से पढ़ी आप इस वजह से पा रहे हो क्योंकि मेरी भी किसी ने हेल्प करी, अदरवाइज शायद मैं भी नहीं बचता। ठीक है गाइस, तो ये 4 अक्टूबर को ये स्कीम है जो कि लॉन्च करी जा रही है। और हमारे देश में दोस्तों 17 लोग की मृत्यु हो जाती है हर आर के अंदर रोड एक्सीडेंट की वजह। चेन्नई और दिल्ली के अंदर मोस्ट डेथ है जो कि देखने को मिलती है ना। स्टेट की बात करें तो यूपी और तमिलनाडु के अंदर लार्जेस्ट नंबर ऑफ डेथ है जो कि देखने को मिलती है। लास्ट ईयर के अंदर भी 5 लाख एक्सीडेंट हुए, 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। हर दिन दोस्तों 1300 एक्सीडेंट होते हैं, 400 लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो आप सोच सकते हैं हर दिन 400 लोग मरते हैं, तो उसमें से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है, लेकिन जस्ट बिकॉज दोस्तों जनता जो है वो हेल्प करने को रेडी नहीं रहती, इसकी वजह से कई लोगों की मृत्यु वहाँ पे हो जाती है। उनको सही टाइम पे गोल्डन आवर बोलते हैं उसको एक्चुअली में, तब उसमें हेल्प है जो कि नहीं मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो ठीक है, तो ये स्कीम है दोस्तों जो कि लॉन्च करी गई है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे कैश प्राइस जो है 5,000 रुपये जो है वो मिलेगा अगर कोई किसी को गोल्डन आवर के टाइम पे हेल्प है जो कि करेगा, है ना। चलिए, और इसको प्रमोट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए जनरल पब्लिक को जो ये अवार्ड है जो कि दिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो 10 ऐसे नेशनल लेवल के अवार्ड भी स्टार्ट किए जाएंगे। ओके, जो सेमिनिटेरियंस हैं, जो कि वर्दियस ग्रुप सेमिनिटेरियंस हैं, उनको 10 अवार्ड है जो कि नेशनल लेवल के ऊपर भी दिए जाएंगे। चलिए, और 1 लाख रुपये का प्राइज मनी भी जो है उनको दिया जाएगा। 5 लाख रुपये इनिशियल ग्रांट है जो कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा स्टेट और यूटी को ये देने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये स्कीम वैसे खैर 20 साल पहले हो जानी चाहिए थी लॉन्च, बहुत सारे लोगों की जान बच जाती। और आप देख सकते हैं जो 18 से जो 35 साल के जो सबसे जवान होते हैं, है ना, सब वो सबसे ज़्यादा मृत्यु है जो कि उनकी देखने को मिलती है। उसके बाद में 45 तक, उसके बाद में 60 साल तक, एंड सो ऑन। ठीक है, इस क्वेश्चन बताइए इसके ऊपर, क्वेश्चन आंसर क्या होगा। ईटिंग डिसऑर्डर का मतलब ये होता है जब आदमी को पता नहीं है कि कहाँ पे रुकना है और कहाँ पे खत्म करना है। कई लोग खाते ही जाते हैं, उसको ईटिंग डिसऑर्डर बोलते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि भैया कहाँ पे मुझे रुकना है। ठीक है, पहला आपका स्टेटमेंट है ये गुड सेमिनिटेरियन स्कीम के तहत 7,000 रुपये दोस्तों अवेलेबल करवाए जा रहे हैं पर एक्सीडेंट। ओके, दूसरा दोस्तों 20 नेशनल लेवल के अवार्ड है जो कि दिए जाएंगे। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। मैंने तो यार कई लोगों की लड़ाई तक रुकवाई है रोड के रोक, मतलब वो इंसिडेंट ऐसा था जो कि मेरे लिए लाइफ टर्निंग एक्सपीरियंस था। हाँ, जब मेरी हेल्प कर गई थी, तो अब तो ऐसा होता है कि रोड के ऊपर कोई लड़ाई भी कर रहा होता ना, तब भी मैं बीच में जाके लड़ाई रुकवा देता हूँ, मतलब जबकि मेरे को कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है लड़ाई के अंदर दोनों की लड़ाई मुझसे हो जाए, मतलब फिर भी मैं कोशिश करता हूँ किसी के लग ना जाए, किसी के साथ कुछ हो ना जाए। मतलब एक बार तो ऐसा हो गया था कि दो लोग एक लड़के को बेचारे को बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे, मतलब है ना। तो मैंने गाड़ी रोकी और मैं जाके गुस्से में जाके मैंने दोनों को हटाया कि मतलब एक अकेले बेचारे लड़के को बुरी तरीके से मार रहे हो। तो एक आदमी ने तो पत्थर उठा लिया, मेरे को पागल हो रहा है मैं यहाँ पे रोकने आया हूँ, तू मतलब मेरे से ही पंगा ले रहा है, मतलब पत्थर उठा लिया उसने। मैं यहाँ पे पागल है क्या, क्या कर रहा है ये। फिर उसको समझाया थोड़ा प्यार से, उसको बोला, फिर उसको थोड़ा पता गिराया, फिर दोनों को रोका। मतलब उस बच्चे के बहुत ज़्यादा मार गए, मतलब उसे काफ़ी सिर फट गया था उसका, इनफैक्ट
रोड के ऊपर, जनता देख रही है वहां पे, फुल ऑन लोगों का एंटरटेनमेंट हो रहा है वहां पे। एक बार मैकडी के बाहर ऐसे लड़ाई हो रही थी, मैकडी के बाहर जो लड़ाई हो रही थी वो तो बिल्कुल WWF वाले के तरीके से हो रही थी, मतलब है ना, जैसे कोई चौक स्लैम लगा रहे हैं, कोई कोई है ना टांग लगा के मतलब पीछे गिरा रहा है, इस तरीके से लड़ाई हो रही थी। मतलब लग रहा था ऐसे WWF लड़ रहे हैं, मतलब दोनों कोई प्रोफेशनल फाइटर्स थे। फिर लगा कि यार बीच में रोकना नहीं चाहिए, दोनों प्रोफेशनल है, आपस में देख लेंगे जहाँ ठीक रहेगा। चलिए दोनों मतलब 100-100 किलो के थे मतलब। चलिए ठीक है, तो ये गोल्डन आर दोस्तों बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे 7,000 रुपये का प्राइस मनी नहीं है, पहली बात तो 5,000 रुपये का है, और ये 20 लोगों को नहीं मिलेगा, ये 10 लोगों को मिलेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा डी यहाँ पे। ठीक है चलिए बिल्कुल। एक ये दोस्तों आज का फन फैक्ट है दोस्तों, ये अपने रोमानिया के अंदर कुछ इस तरह के ट्रीज है दोस्तों जो कि देखने को मिलता है, बड़े अजीब है, मतलब ऐसा देखिए बहुत ही अजीब अजीब ट्रीज है जो कि देखने को मिलते हैं, मतलब वहां पे दोस्तों अलग अलग स्टोरीज है, कोई बोलता है एलियन ने किया है, कोई बोलता है गोस्ट ने किया है, कोई बोलता है किसी ने किया है, तो लेकिन बहुत ही अजीब है। तो ये आज का फन फैक्ट है दोस्तों जो कि आपको रोमानिया में वाले ट्रीज है जो कि देखने को मिलते हैं। आज के इतिहास की बात करें, 1586 में मुगल आर्मी ने दोस्तों श्रीनगर में एंटर हुए, 1919 के अंदर महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया नवजीवन न्यूज़पेपर, 1912 में पहला बाल्कन वॉर, बाल्कन मतलब बाल्कन माउंटेन्स है, तो वहां पे जो कंट्रीज है उनको अपन बाल्कन कंट्रीज कहते हैं, बुल्गेरिया ग्रीस सर्बिया इन सबको। ठीक है, उसके अलावा ग्रेट शिकागो फायर है जो कि 1871 में स्टार्ट हुई, जहां पे काफी दिनों तक दोस्तों आग लगी रही। वोकैबुलरी में दोस्तों प्रोलिफरेशन का मतलब होता है जब कोई चीज फैलती है रैपिडली, है ना, प्रोलिफरेशन। उसके अलावा चेकर्ड का मतलब जब बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आप अपनी लाइफ में देखते हो, इवेंट होते हैं उसको अपन कहते हैं, है ना। हेडवे का मतलब है प्रगति करना, डॉर्मेंट का मतलब बहुत ही शांत आदमी, बहुत ही इनएक्टिव आदमी, ग्लॉट का मतलब है बड़ी चाह से किसी चीज को देखना। ठीक है आगे बात करते हैं, कॉन्स्ट्रू जिसका मतलब होता है इंटरप्रेट करना, किसी को समझाना, उसको कॉन्स्ट्रू करना कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको इंडिया में किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो अनअकैडमी प्लस में BHU 10 या BHU 10 जरूर लगाइए, 10% आपको ऑफ मिल जाएगा। काफी सारे कोर्सेज दोस्तों अभी रिसेंटली लॉन्च हो रहे हैं, ये यूपीएससी के टॉप एजुकेटर्स आपको यूपीएससी कैटेगरी में पढ़ा रहे हैं, प्रीलिम्स मेंस सब कुछ आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। ये टॉप 10 दोस्तों रैंकर है जो कि इस बार अनअकैडमी के देखने को मिले, और आप देख सकते हो टॉप 20 के अंदर 7 रैंकर है, 50 के अंदर 15, और 170 प्लस दोस्तों लर्नर्स ने इस बार अनअकैडमी से एग्जाम है जो कि क्रैक किया है। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, पर्सनल गाइडेंस, आइकॉनिक कोर्सेज, ये सब आपको मिल जाएंगे। आप सेलेक्ट कर सकते हैं आइकॉनिक या प्लस में, और नीचे आपको रेफरल कोड लगाना पड़ेगा, तो BHU 10 है जो कि आप लगा सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों SSC, बैंक, रेलवे सब जगह पे अभी है जो कोर्सेज है ना, ये वाले ये 18 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। रिसेंटली ये देखिए 21 तारीख से तो ऑप्शनल है, और 18 तारीख से मेरे ख्याल से 15 से आपके वैसे स्टार्ट है, तो ये ऑप्शनल भी आपको साथ में मिल जाएंगे, और आप चाहो तो सारे के सारे सब्जेक्ट के ऑप्शनल के बेस्ट टीचर आपको अवेलेबल है। ठीक है गाइस, ये देखिए मिशन AIR 1 मेंस बैच, बहुत सारे बैचेस जो कि स्टार्ट हुए हैं। आप अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करिए, मोबाइल नंबर डालिए, गोल अपना सेलेक्ट करिए, यूपीएससी एसएससी बैंक जो भी है, प्लस में जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन में 12 या 24 महीने पे, और BHU 10 है जो कि आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है चलिए, और ये एसएससी के अंदर दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी में स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी ये सब आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं आपको, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप एक बच्चे की एजुकेशन स्पॉन्सर कर सकते हैं हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन के माध्यम से, आपको बच्चे की कंप्लीट डिटेल अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो ये था आज का आपका सेशन, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।